खोटी डायोसिस युवा सम्मेलन के इस सम्मेलन के आयोजक सभी प्रतिभागी युवक युवतियां सम्मेलन में शामिल समाज के सभी अगवे धर्म बहने आदरणीय फादर मसीह आदरणीय फादर बिशु बेंजामिन सबको मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। मैं पहले मैं आप तमाम आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ, सभी फादर और धन बहनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं फादर बिशु बेंजामिन को अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने जो गोल पोस्ट की बात की, मैं उसके लिए फादर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो बात रखे हमारे बीच में। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस रास्ते से अभी एक एक कदम चल रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं और हम उस दिशा को तय करने जा रहे हैं जो सही में हमारा लक्ष्य है। उसमें आप भी तय कर रहे थे कि आपका लक्ष्य क्या है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप नेता बनना चाहते हैं, आप और भी इस देश की सेवकाई के लिए, झारखंड प्रदेश की सेवकाई के लिए आप भी अपना गोल पोस्ट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, मैं ऐसा महसूस कर रही थी। आज जिस गोल पोस्ट की बात हम लोगों ने अभी सुना, मुझे भी लग रहा था कि मैं अपने अतीत में, अभी भी मेरा पैर वहीं पर है, नन्ना पैर जहां से मैं चलना शुरू की, और मुझे अभी भी लग रहा था कि हाँ एक अतीत होता है वो एक इतिहास बनता है और वो इतिहास वर्तमान को तय करता है और वही इतिहास भविष्य को ढूंढता है। मेरा जन्म कमडरा प्रखंड के अरहरा गांव में हुआ था, एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां पर हमारे माँ और बाप दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, और हमारा अरहरा गांव आदिवासी बहुल गांव है। वो पहली बार जिंदगी में हमारे गांव में मैं इसे भी भुला गई, असली कि हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे और हमारा पूरा गांव था वो आदिवासी गांव था, लेकिन कम पढ़ा लिखा गांव में। शायद अभी भी मुझे याद है हमारा एक टोली है करंज टोली, उस करंज टोली में एक खानदान के तीन परिवार के लोग पढ़े लिखे थे। तब हमारा पूरा गांव सात मोजा का गांव है, किन और पढ़े लिखे लोग नहीं थे। हमारा गांव में पहली बार बाहर से, जिसको बाद में मैं मुझको समझ में आया कि इतिहास जब हम झारखंड का पढ़ते हैं और भारत के इतिहास पढ़ते हैं, झारखंड का इतिहास पढ़ते हैं, तब उसको मैं कोरिलेट करके देखना शुरू करती थी बाद में घटना के बाद,
कि जब देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और एक ईस्ट इंडिया कंपनी जब देश में 17वीं सदी में कदम रखा तो पूरे भारत को अपने मुट्ठी में कर लिया, यहाँ का तमाम संसाधन अपने मुट्ठी में कर लिया और तमाम यहाँ का जो अभी जिस गोल पोस्ट की बात हमारे माननीय फादर बिशो ने कही, तमाम गोल पोस्ट, तमाम साम दाम दंड भेद और उनके पास राजपाट का पूरा शासन उनके हाथ में था। तब उसके बाद जब हम लोग झारखंड के इतिहास पढ़ते हैं तो किस तरह से एक ईस्ट इंडिया कंपनी 1700 में भारत में कदम रखने के बाद किस तरह से आगे बढ़ता है और पहली बार छोटानागपुर की धरती में वो प्रवेश करता है और जैसे वो छोटानागपुर की धरती में प्रवेश करता है तब किस तरह से आदिवासियों का उनका जो अपना इतिहास था, अपनी जो भाषा थी, अपनी संस्कृति थी, जल जंगल जमीन जिससे सांप भाग बालू बिछुओं से लड़के हमारे पूर्वजों ने उसे आबाद किया था और उस धरती को आदिवासी हमारे पूर्वजों ने कहा ये हमारा इतिहास है, यही हमारा राज है और उसी को कहते थे, अभी भी हम लोग कहते हैं आदिवासियों का स्वायत्त शासन था। लेकिन अंग्रेज जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाते गए हम लोग भुगनाडी के इतिहास, वहां के आदिवासियों के संघर्ष को हम लोग याद करते हैं और भुगनाडी के इतिहास को हम लोग याद करते हैं, उनके संघर्ष को इतिहास करते हैं, तब आज हम अपना इतिहास ढूंढते हैं और हम जब हम अपना इतिहास ढूंढते हैं तब आदिवासियों का राज कब आएगा ये फिर से हम लोग सपना देखते हैं। तो मैं उसी तरह से अब मुझको लगने लगा कि जब हमारा परिवार पढ़ा लिखा नहीं था तब किस तरह से हमारा कंबरा प्रखंड का ही एक दूसरा गांव साले गुट्टू बोलते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे जो कंबरा क्षेत्र से आए हैं, साले गुट्टू से बनिया लोग आए और किस तरह से हमारा पिताजी को उस एक सादा कागज में उनको अंगूठा का निशान लगवा लिया और गुमला कोट में हमारे पिताजी का जो जमीन था वो सारा जमीन अपने नाम से करा लिया। मैं उस आदिवासी समाज को देखी हूं और वहां पर पली बढ़ी हूं, जब कोर्ट में कोई केस जाता है तो कोर्ट में केस जब लड़ते हैं तो उसके लिए गवाह की जरूरत होती है। जब हमारे पिताजी का पूरा जमीन को दूसरे लोगों ने अपने नाम से किया तब हमारे गांव के लोगों को अगला व्यक्ति जो जमींदार के साथ जिनका साठ गांठ था उन्होंने एक एक मुंडा परिवार को धमकी दे के रखा कि खबरदार कोई जूरा बूढ़ा का गवाह में कोर्ट में जाओगे तो ये सही नहीं होगा। हमारा गांव के लोग पढ़े लिखे लोगों से, दबंग लोगों से इतना डर गए कि हमारा गांव का एक भी व्यक्ति हमारे पिताजी के गवाह में कोर्ट में किसी ने नहीं चढ़ा कि ये इनका जमीन है। अंत परिणाम रहा कि मेरा पिताजी केस हार गया और मेरा पिताजी जब केस हार गया तब मैं तीसरी क्लास की थी। तीसरा क्लास में मैं पढ़ती थी और तीसरा क्लास में जब केस कोर्ट में सारा चीज मेरे परिवार वाले हार गए, मेरे तीन बड़े भाई हैं, एक बड़ा भाई गांव में धांगर हो गया, मेरा पिताजी अरहरा से लप्पा बकसपुर आया वहां धांगर हो गया, मेरा मिझला भाई जो कमरा में पढ़ता था ग्लोसुप मेमोरियल हाई स्कूल में वो रांची आया यहाँ कुली का काम करने लगा, मेरी माँ गांव छोड़ के रांची शहर पीपी कंपाउंड में आके पंजाबियों के घर में वो बर्तन धोने का काम की, मुझसे बड़ा भाई कुद्दा स्कूल में पढ़ता था वो और मैं घर में रह गए। मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूं
कि ये दोनों हाथ तब भी थे, ये दोनों पैर उस समय भी थे, ये जो मैं बात कर रही हूं तमाम ज्ञान इंद्रियां तब भी थे जब हमारे परिवार ने हमें अनाथ की तरह छोड़ के अपना रोजगार के लिए सभी घर से बाहर थे। मैं तीसरा क्लास, चौथा क्लास से आठवीं क्लास तक ये खेत है, खलिहान है, इसी में दूसरे लोगों के खेत में बरसात के दिन में मैं काम करके मुझको भूती नहीं देते थे, मजदूरी नहीं मिलता था, सिर्फ मुझको अंजुरा करके लोग हाथ से, दोनों हाथ से अंजुरा करके धान देते थे या तो मड़ुआ देते थे और बोलते थे ले बढ़िया से काम कर सीख। आठवां क्लास तक मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ा। मैं आज जल जंगल जमीन की बात करती हूं तो ये धरती ने बरसात के दिन में जितने भी घास फूस जिसको हम लोग कहते हैं साग पात, उससे हमको पाला, पुटकल गाछ, करंज गाछ, बैर गाछ, बार गाछ, डुमर गाछ, सबने हमको पाला, वही हमारा माँ और बाप थे। आज मैं, मेरा गोल पोस्ट है जल जंगल जमीन के साथ उस आदिवासी समाज को बचाने का, जिस आदिवासी समाज को मैंने देखा कि बाहर के लोगों ने धमकाया शांत हो गया, बाहर के लोगों ने हड़िया पिला के सुला दिया सो गया, बाहर के लोगों ने कहा कि खबरदार तुम उनके साथ खड़ा हो। मैं देखती हूं कि आदिवासी समाज आज भी बाहर के लोगों से, दूसरे लोगों से उतना ही डरता है। तो मेरा जिंदगी का गोल पोस्ट मैंने वही तय किया और आज की तारीख में मैं वहां से आठवां क्लास पास करने के बाद, मेरे माँ बाप घर में नहीं थे, मैं रांची चली आई, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, इतना ही पता था मेरी माँ रांची में काम करती है, मेरा बड़ा भाई रांची में कुल्ली का काम करता है। मैं सर्टिफिकेट निकाल के कमदारा से चली आई, रांची चली आई, सुजाता चौक में पुलिस टीओपी था, वहां पर मैं बर्तन धोती थी, सांत मार्गरेट स्कूल में मैंने एडमिशन लिया नौवीं क्लास में, और उसके बाद मैं पीपी कंपाउंड में एक सुजान सिंह के घर में गाय के गुहाल में मैं रहती थी। एक तरफ गाय रहते थे, एक तरफ हम दोनों भाई बहन रहते थे, और मैं सुबह शाम स्कूल से लौट के स्कूल जाने के पहले पुलिस टीओपी में मैं बर्तन धोती थी। पुलिस वाले लोग जो द्रास को खाते थे बचाते थे, वो मेरे लिए आज की तारीख में लंच बनता था, जो वो लोग दिन को खाते थे, और मैं स्कूल से वापस आके मैं बर्तन धोती थी, और जो खाना उनके डेक्ची में रहता था, कढ़ाई में रहता था, रात में मेरे लिए डिनर बनता था। इसने मुझको सिखला दिया, मुझको ये सिखला दिया, मैं मुझको सिर्फ ये सिखला दिया कि तुम पढ़ो, इतना पढ़ो कि तुमको कोई अंगूठा का निशान लगा के तुम्हारा अधिकार नहीं छीनेगा। मैंने अपना लक्ष्य तैयार किया और मैंने कहा मुझको दर्जनों घर में बर्तन धोना पड़ा, मैट्रिक तक मैंने धोया, साबुन की फैक्ट्री में काम करना पड़ा, मैंने किया, लेकिन मैंने अपना लक्ष्य जो तय किया था कि आदिवासी समाज को जगाना है, और तब हम जगा पाएंगे जब हम खुद जगे रहेंगे। मैंने अपना लक्ष्य गोल पोस्ट तय किया और आज की तारीख में मैं जल जंगल जमीन की लड़ाई, कॉलेज से निकलने के बाद मैं सीधे कोयलकारों आंदोलन में चली गई, और कोयलकारों आंदोलन को मैं बहुत करीब से देखी, और कोयलकारों आंदोलन, कोयलकारों का क्यों विरोध हो रहा है मैं समझने की कोशिश की, तब ये समझ में आया कि कोयलकारों पर प्रोजेक्ट बनने से कोयल नदी बसिया में और कारो नदी लोहाजिनी के पास दो अलग अलग डैम बनेगा, और दो अलग अलग डैम बनेगा उससे
वर्तमान गुमला जिला, वर्तमान खूंटी जिला, उस समय रांची जिला था, 256 गांव डैम के पानी में डूब जाता, 55,000 एकड़ खेती की जमीन एग्रीकल्चर लैंड डूब जाता, 27,000 एकड़ जंगल पानी में डूब जाता, सैकड़ों गिरजाघर पानी में डूब जाते, जिसको हम अपना सरना मसना ससंदरी अपना भाषा और संस्कृति का एक पार्ट मानते हैं, वो पानी में डूब जाता। कोयलकारों जनसंगठन ने स्वर्गीय राजा पोलस गुड़िया के लीडरशिप में आंदोलन चल रहा था, कहा कि हमारे जल जंगल जमीन का मुआवजा किसी भी धन से पूर्ति नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि हमारा जंगल हमारा जमीन हमारा नदी और पहाड़ और हमारे आने वाले भविष्य का आप कीमत नहीं दे सकते हो, हम बनने नहीं देंगे। मैं कोयलकारों जनसंगठन को धन्यवाद देना चाहती हूं कि मुझे पूरा हृदय से आंदोलन के साथ मुझे रहने दिया। आज मैं 2-3 साल अभी भी आप खूंटी जिला के और गुमला जिला के, जहां पर कारो नदी में डैम बनना था, पूरा डूब क्षेत्र का एक एक घर मेरा घर है। कोयल नदी का एक एक डूब क्षेत्र का एक एक घर मेरा घर है। मैं ये मान लेके हमेशा चली और मैं वहां से सीखी, उसके बाद से मैं लगातार, उसके बाद अखबार वालों के साथ हमारा परिचय बढ़ा, मैंने कलम अपने हाथ में लिया, मैंने 96 से 2009 तक लगातार प्रभात खबर में, सुर्खियों में, फ्रंट पेज में आदिवासियों का न्यूज प्रभात खबर में आधा पेज छपता था। गांव गांव कोई भी ऐसा खूंटी जिला का गांव नहीं है, रांची जिला का गांव ऐसा नहीं है, जहां पर मैं उस समय एक एक गांव में मैं घूम घूम के आदिवासियों के समस्याओं को, आदिवासी युवाओं के समस्या को मैं लिखने का काम नहीं की। मैं 13 साल तक मैं अखबार में लिखते रही। उसके बाद राज बनने के बाद जब यहां पर आया कि नहीं, बड़े बड़े कंपनियां गांव को लूटने आ रहे हैं, तब इसी खूंटी जिला में आर्सेलर मित्तल उस समय करीब 40 गांव को हटाना चाहता था। आप लोग खूंटी जिला से हैं, जमहार से लेके सरिता कोयल नदी तक, कुलडा से लेके कमदारा आम बगीचा तक, यहां से वहां पूरे गांव को हटा के वहां पर कारखाना बनाना चाहता था। शहर के लोग मुझको बोलते थे नौकरी लगे दे, तो नौकरी आवा थे सके भी लगे नहीं दे विसला। हर शहर के, खूंटी शहर के बोलते थे, तुरपा शहर के बोलते थे, सब कोई बोलते थे कि नौकरी तो लगे नहीं देवा थी। हम एक ही बात बोलते थे कि अगर हमारे जो पढ़े लिखे नहीं हैं गांव में, आज भी एक एक गांव का अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो हमारे गांव में 500 की आबादी है, तो खूंटी में ऐसे ऐसे भी गांव है जहां पर मैट्रिक पास वाला आज भी नहीं पाइएगा। मैंने कहा कि आइए बैये कर करने वालों को आप नौकरी दे सकते हो, लेकिन क्या यहाँ का एक एक जमीन मालिक का नौकरी देने की आप गारंटी करते हो? और हमारे आने वाला पीढ़ी जो हमारे गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके भविष्य की गारंटी करते हो तो बोलो हम गांव छोड़ देंगे? अदरवाइज यहाँ का जमीन को हम लोग किसी को लूटने नहीं देंगे। लोग मुझको 3-4 बार धमकी देते रहे कि गांव को छोड़ दो, नहीं तो इतनी गोली मारेंगे कि तुम्हारा शव का शिनाख्त नहीं होगा। मैं लोगों को हंसते हुए बोली कि गांव गोली मारने वाला अगर किसी का मां का कोख से पैदा हुआ है तो मैं गोली खाने वाली भी, मैं मां का कोख से जन्मी हूं, मैं देखना चाहती हूं कि मेरे शरीर पर कितनी गोलियां समाएंगी या गोली चलाओ। मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूं
आज मैं जिंदा हूं। जब मुझको कहा गया कि आप तुम नहीं समझोगे, पब्लिक के बीच से तुमको उठा के लेके जाएंगे, ये लास्ट अल्टीमेटम दे रहे हैं। ईश्वर क्या तय करता है? फादर बोल रहे थे कोई नहीं जानते हैं किसका जिंदगी से। तभी आप लोग गीत गा रहे थे एक नाच के साथ कि बड़े बड़े काम किए, लेकिन काम किसके द्वारा करते हैं? वो खुद आते नहीं है। यीशु मसीह का ताकत खुद नहीं आएगा, वो अपने नहीं आएगा उस स्वरूप में, लेकिन वो एक एक व्यक्ति को हम लोगों में से चुन के रखता है कि जो भी किसी के कोख में जो पैदा होता है, उसके जीवन के द्वारा, उनके सोच के द्वारा, उनके काम के द्वारा, उस काम को पूरा करना चाहता है जिसमें सारे लोग, आप लोग, हम लोग सारे लोग हैं। मैं याद करती हूं कोयलकारों के आंदोलन के बाद मित्तल कंपनी का जब आंदोलन कर रही थी, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, रास्ता कई तरह के हैं, चेक गोल पोस्ट कई तरह के हैं। जिंदगी में रास्ता एक सरल रास्ता है और एक बहुत सकरा रास्ता है, और सकरा रास्ता बहुत कांटा भरा है, बहुत चुभन होता है, बहुत दर्द होता है। तब मेरे पास ऑफर आता था, 11 करोड़ 12 करोड़ का ऑफर आता था कि गांव को छोड़ दो। मैं 365 दिन में 2006 से 2010 तक मैं सिर्फ और सिर्फ खूंटी जिला के गांवों में मैं बिताती थी। मैं अपने जीने के लिए चाय की दुकान 1996 में क्लब रोड में मैं खड़ा की हूं। समाज के लिए अगर हमको काम करना है तो हमारा लक्ष्य को तब हम पूरा कर सकते हैं जब हम अपने हाथ से, इस हाथ से अगर हम बीड़ा उखाड़ते थे, इससे धान रोपते थे और हम अपने को पाल के रखे हैं, तो अभी भी समाज का काम के लिए हमको अपना मेहनत करना होगा। मैं खूंटी रांची क्लब रोड में 96 में चाय की दुकान खड़ा की और वो चाय की दुकान आज भी है। आदिवासियों में मैं गर्व के साथ कहती हूं कि बिजनेस का सबसे बड़ा अनुभव है हमको 25 साल का। मैं बीच में आती थी, मेरे पति से मैं पूछती थी कि इतना ऑफर है आप क्या कहते हैं? मेरे पति और हम लोग, मैं 365 दिन में ज्यादा गांव में रहती थी, मेरे पति से हम लोग रात को सोते नहीं थे। मैं कभी कभी आती थी और आपकी तरह युवा लोग मुझको अपने साथ अपना इसमें लाते थे, कस्टडी में लाते थे और कस्टडी में लेके जाते थे, इसलिए कि एक एक व्यक्ति मेरा दुश्मन था। जो भी आदिवासियों का जंगल लेना चाहता है, जमीन लेना चाहता है, आदिवासी समाज को लूटना चाहता है, एक एक व्यक्ति हमारा दुश्मन बना हुआ था। असली आपके उम्र के युवक हमारे सैनिक थे, कभी मुझको छोड़ते नहीं थे। जब हम लोग बात करते थे कि इतना सारा ऑफर 11-12 करोड़ क्या करेंगे, हम दोनों का ईश्वर को धन्यवाद कि हम दोनों का जोड़ी है, बिल्कुल अजीब तरह की जोड़ी है। हम दोनों ने कहा अपनी खुशी के लिए किसी के आंख में आंसू नहीं लाना है, जिंदगी का ये मकसद होना चाहिए। हमने गांव के साथ समझौता नहीं किया, गांव को छोड़ा नहीं। लोग मुझको हंसते हैं कि अरे ये तो बेवकूफ है, ये तो कब के करोड़पति बन जाती, कब के अरबपति बन जाती, लेकिन ये किसी का बात नहीं सुनती है। मैंने, मेरा एक ही गोल पोस्ट है, इस राज के आदिवासियों को बचाना और इस राज के आदिवासियों का जो इतिहास है। सिद्धू कान्हू ने संघर्ष किया 22 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ में, बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया 22-23 साल की उम्र में, पढ़ा लिखा नहीं था और बिरसा मुंडा जेल में आपको बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए और इस धरती को बचाने के लिए वो जेल में मरा।
मेरे लिए और आपके लिए, तो हम इस जंगल और जमीन को हम क्यों लूटने देंगे? ये मेरा अंतिम लक्ष्य है। मैं आज की तारीख में आप लोगों से कहना चाहती हूं कि आप फादर जो बोल रहे थे हम लोगों को हाथ दिखा के, मैं 1996 से जंगल जमीन बचाते बचाते मैंने ये एहसास किया कि ये जंगल को बेचने के लिए कानून कौन बनाता है, नदी को गिरवी रखने के लिए कानून कौन बनाता है, डैम बनाने के लिए योजना कौन बनाता है, और आदिवासियों के इतिहास को खत्म करने के लिए कौन योजना बनाता है। समझने समझने के बाद एक ही समझ में आया कि हम लड़ेंगे मैदान में, हर हालत में लड़ेंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे, और उसी ताकत के साथ आप लोग मुझको बताइए, फादर तो आप लोगों को बता दिए नमक आजकल कैसे किलो है, कोई बताइए कैसे किलो है? आप लोग कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे हैं, मतलब आप लोग जिंदगी में नमक का महत्व है, खाने पीने में नमक का महत्व है, और हमारे गीत में भी आपके जीवन और मेरे जीवन और मसीही जीवन को नमक से तुलना किया जाता है, और हम जो साधारण खाते पीते हैं उस नमक का दाम आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता पा रहे हैं कि 15 रुपया किलो कि 25 रुपया किलो। आप लोग ढक चुक कर रहे हैं, मतलब हम जिंदगी की रियलिटी के करीब नहीं पहुंच पाए हैं, माफ कीजिएगा। नमक अगर आज 25 रुपया 30 किलो 30 रुपया 50 रुपया किलो है तो नमक संसद तय करता है, कौन करता है? संसद में तय होता है। मिट्टी तेल कैसे लीटर है? कैसे? 100 रुपया पिछले साल मैं खूंटी के मुरहू ब्लॉक में घूम रही थी, तब डीलर लोग मुझको बताए कि तेल 90 रुपया लीटर है। क्या पता उन लोग गलत बताए कि सही बताए? सही बताए। आज जो तेल हम लोग खरीदते थे 1 रुपया में, आज की तारीख में 100 रुपया लीटर आपने तय नहीं किया, कोई ब्यूरोक्रेट तय नहीं किया, तय किया है संसद का कानून, राजनीति ने तय किया है। जब कोयल कारो बचाते बचाते नेत्रहाट का लड़ाई लड़ते लड़ते झारखंड का हर कोना में उराव एरिया, खड़िया एरिया, मुंडा एरिया, सब तरफ हर इलाके में लड़ाई में शामिल होके मैंने उसके बाद महसूस किया कि हम लड़ाई तो लड़ते हैं लेकिन कानून हमारे इस जमीन के लिए संसद में बनता है, तो संसद में तब मैंने फिर स्टडी करना शुरू किया कि अच्छा 1952 में पहला चुनाव हुआ था, तब कौन संसद थे, तब कौन विधायक थे, तो ये विधायक लोग क्यों काम नहीं किए, क्यों लोग अपने लिए कानून बनाने का काम नहीं किए। तब उसके बाद जब जमीन बचाती हूँ जंगल बचाती हूँ तो खूब मैं लिखती हूँ, छोटा छोटा किताब आजकल लिखती हूँ, असली कि अखबार आपकी बातों को नहीं छपेगा, तो मैंने छोटा छोटा किताब लिखना शुरू की, जितने भी कानून आते हैं उसका समीक्षा मैं लिखती हूँ और लोगों के बीच में मैं लेके जाती हूँ ताकि लोग पढ़े। मुझको लगा कि इससे बात नहीं बनेगा। जब मैं जेल में थी 2012 में मेरे ऊपर 12 केस कर दिया, बोला कि ये जंगल बचाने का, जहां भी जज लोग बोला, हाई कोर्ट का जज, जब मैं पहली बार गई थी जेल से निकलने के बाद, तब मैं हाजिरी भरने के लिए गई हूं, तब पूरा वकील केवल रहता है और सामने जज रहता है, जज ने मुझको देख के कहा कि जहां जहां जमीन अधिग्रहण का बात होता है वहां पहुंच जाती है, जंगल लेने नहीं देती है, जमीन लेने नहीं देती है।
मैं सोचे कि ये जज है या तो हमारे विरोधी पार्टी है। तब मुझको लगा कि इतने ही से बात नहीं बनेगा रोड में हल्ला करने से। तब मैंने तय किया, मेरा एक मित्र है डॉक्टर सुनीलम, वो भी किसान आंदोलन चलाते हैं मध्य प्रदेश में, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और जेएनयू से पढ़े लिखे लोग हैं, व्यक्ति हैं, दो बार वो विधायक रहे। और वो जब मैं जेल में थी, हटवार जेल में, तब वो मध्य प्रदेश का जेल में था, तब निकलने के बाद मुझको बोला, जब हम लोग मिले तो तुमको सब चीज का अनुभव है, तुमको एक चीज का अनुभव नहीं है, वो है राजनीति का अनुभव तुमको नहीं है, तुमको राजनीति सीखना चाहिए। तुम राजनीति को सीखोगी तो ये दुनिया को तुम जीत लोगी, अपने लोगों के लिए तुम बढ़िया अच्छा से अच्छा काम कर सकोगी, तुमको ये समझना चाहिए। और स्टेट पावर तुमको नहीं चाहता है कि तुमको बाहर रखे, स्टेट पावर तुम्हारे ऊपर में गहरा केस किया है, कब तुमको आजीवन कारावास की सजा दे देगी कहना मुश्किल है, उसके पहले तुम राजनीति को समझ लो। 2014 में हमारे संगठन के साथियों से बोला, जहां पर हमने कोयलकारों का लड़ाई लड़ा, मित्तल कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ा, आप लोग कर्रा क्षेत्र से आए हैं, वहां पर जबड़ा डैम बन रहा था कर्रा में, और फिर खूंटी में तजना में भी डैम बनने वाला था, सब गांव वाले लोग मुझको पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, बोलते हैं कि दीदी आपको हमारे साथ रहना है। मैं बोली ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं। तो हमने खूंटी जिला में ही, मैं अपने लीडरशिप में 3 लड़ाई मैंने जीती हूं, मैं ये मेरे लिए, मैं अपने को संतवाना देती हूं कि जो तुम काम करना चाहिए आज तक। हाँ, ईश्वर को मैं धन्यवाद देती हूं कि जिस भी इलाके में मैं अपना कदम रखी हूं, चाहे वो कारपोरेट घराना होगा या तो सरकार होगा, हमने एक इंच जमीन लेने नहीं दिया है, एक पेड़ को हमने काटने नहीं दिया है। तब मुझको लगा कि यार ये राजनीति को समझना चाहिए। 2014 में मैं राजनीति को समझने के लिए, मैं मुझको जबरदस्ती आम आदमी पार्टी ने खूंटी लोकसभा क्षेत्र का मुझको प्रत्याशी बनाया। मुझको बहुत अच्छा लगा, अच्छा ये लगा कि मैं जेल में जो चीजों को देखी थी समझी थी, उसके बाद मुझको लगा कि आपका सिद्धांत के साथ कितने लोग हैं आप उनको समझ सकते हैं, कितने लोग जंगल बचाना चाहते हैं सही में, कितने लोग जमीन बचाना चाहते हैं, कितने लोग आदिवासियों को बचाना चाहते हैं, वो राजनीति में वो अपने आप दिखता है। खूंटी शहर, तोरपा शहर, सभी शहर के लोग बोलते हैं, दयामणि जब तक जिंदा रही इलाके में कारखाना लगे नहीं दे। हम बोलते हैं कि हमारे आदिवासियों का जंगल खत्म हो जाएगा, जमीन खत्म हो जाएगा, हमारा सारा चीज खत्म हो जाएगा, हम बेघर बार हो जाएंगे। तब खूंटी का बाजार कौन चलाएगा? आदिवासियों से चलता है। हर शहर का बाजार बिजनेस वहां के लोकल लोगों से चलता है। तो आदिवासी ही नहीं रहेंगे, हटिया की तरह वहां से आदिवासी खत्म हो जाएंगे, तो ये बाजार में कौन रहेगा? तो बड़े बड़े कंपनी के लोग केवल रहेंगे। मैं आप लोगों को इसलिए ये बात बताना चाहती हूं कि आज की तारीख में आप लोग, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूं, ये कौन सा विधानसभा है? समय शायद हो गया ना, ये कौन सा विधानसभा है? हाथ उठा के बोलिएगा कॉन्फिडेंस के साथ, मांडर। लेकिन ये पीछे बैठे हैं जो हमारे भविष्य हैं, हमारे झारखंड के भावी पिलर हैं, वो साइलेंट रह रहे हैं, शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। ये कौन विधानसभा है? मांडर। और कौन सा लोकसभा है? देखिए इस कोना से एक आवाज आया, सिर्फ दो ही आवाज आया, यहां से वहां तक है लेकिन दो ही आवाज आया, ये लोहरदगा लोकसभा है। झारखंड में कितना लोकसभा है कोई भी बता दीजिए? उधर से, थैंक यू, एक ही आवाज आया, धन्यवाद आपको। और झारखंड में कितना विधानसभा है जल्दी? 81 का आवाज आ रहा है, मैं चेहरा भी पहचान ली। ये हमारा इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास है सिद्धू और कानू पढ़े लिखे नहीं थे,
हमारा इतिहास है, बिरसा मुंडा और मक्की मुंडा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों को घुटने टिकवाया। हमारे बच्चे आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग कॉलेज कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग एमफिल कर रहे हैं, आप लोग हो सकता है पीएचडी कर रहे हैं। मैं यहां से जैसा मेरा सवाल पूरा नहीं होता है, आपके वहां से आवाज आना चाहिए काशी विधानसभा। अब फिर मेरा सवाल रहेगा, इक्यासी विधानसभा में कितना विधान, कितना मैंने अंक में बता दीजिएगा, कितना विधानसभा आदिवासियों के लिए आरक्षित है? दो जवाब मिला, 26, 28। दो आवाज यहां से तेज आवाज आया, आप लोगों को धन्यवाद, 28 रिजर्व सीट है। अब यहां का जो आबादी है, आबादी आज की तारीख में 2011 का सेंसस के आधार पर यहां पर ओनली हम लोग 26.2% है। 2001 के आधार पर यहां पर 26.3% थे, लेकिन 10 साल में 1% हम लोग घट रहे हैं। 2019-20 में फिर से यहां पर जनगणना होने वाला था, निश्चित रूप से आदिवासियों का जनसंख्या इस समय घट के, इसलिए कि जहां पर झारखंड में विकास के नाम पर इतनी आबादी बाहर से चली आई है, इतनी आबादी बाहर से चली आई है कि हमारी जो जनसंख्या है उससे दुगुनी आबादी बाहर से आई है। तब अगर हम स्टेट बनने के बाद अभी अगर 2020 में जनगणना होता तो हमारा जनसंख्या 26% से निश्चित रूप से 18% तक चला आता। तब हम कहां हैं? आदिवासियों का गोल कहां है, गोल पोस्ट कहां है? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गोल पोस्ट कहां है? राजनीति में हमारा गोल पोस्ट कहां है? आदिवासियों को सुरक्षा देने में हमारा गोल पोस्ट कहां है? ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट को समझना होगा। आप नहीं समझेंगे, माइग्रेशन को नहीं समझेंगे, ट्रैफिकिंग को नहीं समझेंगे। सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग गुमला डिस्ट्रिक्ट से होता है, उरा बेल्ट से, और खूंटी मुंडा इलाके से होता है। अभी हम लोग फादर के साथ, मसीह के साथ बात कर रहे थे, अभी भी हमारे समाज में हम उसको बांट के नहीं देख सकते हैं कि कौन कौन सा धर्म मानता है, आदिवासी या आदिवासी, चाहे वो सरना हो चाहे तो ईसाई हो, वो आदिवासी है, वो हमारा समाज का एक हिस्सा है, हमारा शरीर का एक हिस्सा है। आज भी 13 साल 14 साल में लड़कियां मां बन जा रही हैं। मैं बिरसा मुंडा का ऐतिहासिक जगह मैं गई थी, मुरहू के पास सुकुवन बुरु, जहां पर बिरसा मुंडा बैठा करते थे अपने लोगों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, वो तय करते थे, रणनीति बनाते थे। उस सुखवन बुरु में आजकल मेला लगता है, मैं देख के 2 दिन तक मुझको नींद नहीं आया। छोटी छोटी बच्चियां हैं, 13 साल 14 साल की बच्चियां हैं, और मां जितनी, मां का मैंने क्या बोलते हैं, फिजिकल हाइट जितना नहीं है, वेट जितना नहीं है, उससे बड़ा उसका बच्चा उसका पेट में है, और हर बच्ची के गोद में एक बच्चा है, उसके पेट में एक बच्चा है। मैं देख के मैं सोचने लगी कि हम किस समाज के लिए जिए, किसके लिए आज तक कुर्बानी दिए, जो हमारा आज की तारीख में चांद में पूरा दुनिया जा रहा है। सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन हमारे समाज का एक बेटी का क्या स्थिति है? तो हमारा आदिवासी समाज कैसे मजबूत होगा?
कैसे हम आदिवासी समाज को मजबूत करेंगे, कैसे हमारा समाज एजुकेट होगा और कैसे हम उस गोल को मारेंगे जिसको बिरसा मुंडा गोल मारना चाहता था, आदिवासियों के हाथ में स्वशासन का बगडोर होगा, इस देश का बगडोर हमारे लोगों के हाथ में होगा। तो 28 सीट हम आपके हाथ में है तो आप खुश हैं, आप महसूस करते हैं कि आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट 28 है, क्यों आप दावा नहीं करते हैं, क्यों आप इसकी तैयारी नहीं करते हैं कि झारखंड का 81 विधानसभा सीट हमारा होगा जहां पर हमारे लोग राज करेंगे, तब यहाँ के लिए जमीन का कानून बनेगा, आदिवासी युवाओं का कानून बनेगा, आदिवासियों के लिए नौकरी का, दलितों के लिए नौकरी का, दलित और पिछड़ों को शासन में बैठाने के लिए उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने लिए कानून बनेंगे। फादर अभी बात कर रहे थे क्या हम खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो राजनीति तय करता है। और वो जो फादर बात कर रहे थे उसका शॉर्ट नाम है यूसीसी, पढ़िएगा सब कोई, वो वही कहता है। तो मैं आप लोगों से एक मैंने सवाल पूछना चाहती हूं, उसके बाद शायद मैं लंबा बात बोल रही हूं, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, हेजिटेशन हो रहा है कि हाँ समय नहीं है करने के लिए। तो मैं आप लोगों से सवाल मैंने करूंगी, अगर आप लोग हैं तो आप लोग हाथ उठाइएगा। आप लोग इस भीड़ में कितने लोग वोटर हैं जो वोट देते हैं, हाथ उठाइए। और फादर थोड़ा सा उधर देख के थोड़ा अनुमान लगाएंगे कि हमारा राजनीति कितना मजबूत है या नहीं है, इसको मैंने चलिए हाथ उठाइए, नीचे कीजिए आप लोग। यहाँ जितने जितना आप लोग शायद 2500 तभी फादर बता रहे थे, 2500 में मुझको लगता है कि आप लोग 25% आप लोग अपना इनरोल्ड कराए हैं वोटर आईडी में, है ना। बाकी लोग शायद सोच रहे हैं या तो नहीं पूरा हुआ है 18 साल। मैं ये बात कहना कहूंगी, मैं एक जगह का उदाहरण देके अपना बात खत्म करूंगी कि हम लोग कैसे कमजोर हो रहे हैं। रांची शहर में बूथ संख्या 14 है, वहां पहले पूरा आदिवासी हुआ करते थे सिरुमटोली में, आज की तारीख में वहां पर नॉन ट्राइबल, चारों तरफ से नॉन ट्राइबल भर गए, वहां के जो आदिवासी हैं, वहां के बसिंदे ओरिजिनल आदिवासियों के हाथ से पूरा जमीन खत्म हो गया। सिरुमटोली का एक पार्ट है न्यू गार्डन सिरुमटोली, वहां पर आदिवासी हैं, बाकी उस बूथ में चारों ओर से जहां आदिवासी बहुल इलाका था, आज आदिवासी वहां पर बिल्कुल अल्पसंख्यक हो गए। जब वोटर आईडी में, वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़ाने के लिए कहा गया था, मैं भी अपना करेक्शन करने के लिए गई थी, मैं देख के हैरान रह गई। दूसरे लोगों का आप लोग जो हाथ नहीं उठाए, बहुत छोटे छोटे लोगों का, मुश्किल से वो लोग 15-16 साल के होंगे, पूरा अपना घर का पूरा बच्चा को लेके आया, लंबा से लाइन लगा दिया अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम इनरोल करने के लिए। वहां पर 200 संख्या लगभग की भीड़ थी, उसमें सिरुमटोली जो आदिवासी बहुल इलाका था, एक भी आदिवासी युवा अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़ाते हुए मैं नहीं देखी। ये हमारी कमजोरी है, यहां पर हम राजनीतिक रूप से हम कमजोर हो रहे हैं। असली की हमारे जो जो लायक हैं, जो वोट देने की स्थिति में हैं, माँ बाप भी नहीं बोलते हैं और हम खुद भी उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, हम इस देश का प्रतिनिधि को हम चुनेंगे। और जिस दिन आपका दूसरों से बात सुनिएगा कि पूछते हैं उन लोग को, अच्छा आपके सोसाइटी में सब बच्चों का वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा है, तो लोग बोलते हैं कि जिस दिन वोटर लिस्ट में मेरा नाम चढ़ गया उस दिन मैं भारत का नागरिक हो गया।
और भारत का नागरिक होने के नाते अगर हमको कोई लोन भी लेने का रहेगा तो हमको आसानी से मिलेगा एजुकेशन लोन वगैरह। ये जागरूकता की बात है, ठीक है, ये जागरूकता की बात है। इस सब को हम लोगों को समझना होगा, क्यों हम कम हो रहे हैं, क्यों हमारी राजनीतिक शक्ति कम हो रही है, क्यों हम 81 में अपना नहीं बना पा रहे हैं, और क्यों आज की तारीख में CNT एक्ट को खत्म करने के लिए, SPT एक्ट को खत्म करने के लिए क्यों कानून बन रहा है, क्यों भूमि बैंक बना 5वीं अनुसूची का अवहेलना करके, क्यों स्वामित्व योजना जो बना, आप मालिक हैं, आपके मालिकाना हक को जो आप सेंटी में है, आपका खतियान पार्ट 2 में है, आपका सारा हक को खत्म करके आज बाहर के लोगों को मालिक क्यों बनाया जा रहा है। ये राजनीतिक ताकत तय करता है और उस राजनीतिक ताकत को हमको पहचानना पड़ेगा। तो आज की तारीख में हम लोगों को 28 में नहीं, हम लोगों को ये गारंटी करना पड़ेगा कि अगर हाँ ये राज हमारा है तो पूरा झारखंड हमारा होगा। 14 लोकसभा है तो 14 लोकसभा में हमारा 14 लोकसभा में हमारे लोग जाएंगे, जो हमारे खा क्या हम खाएंगे, क्या हम पहनेंगे, क्या भाषण देंगे, क्या नहीं देंगे, क्या हम कौन सा धर्म मानेंगे, कौन सा धर्म नहीं मानेंगे, ये तमाम चीज वहां पर तय होता है राज्यसभा में और लोकसभा में। हम उनकी तैयारी करें और ये आप तैयारी करेंगे तो मुझको बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, तो मैं चुप रहती हूँ एक सेकेंड, फिर मैं बोलती हूँ कि 3 करोड़ तक होंगे, तो लोग मुझको बोलते हैं पागल है, आदमी का 2 ठो बच्चा 3 ठो बच्चा रहता है ज्यादा से ज्यादा, और ये बोलती है 3 करोड़। मैं मानती हूँ ये पूरे झारखंड के लोग अपने बच्चे हैं, अपने माँ बाप हैं, और हम समूह में देखें, व्यक्ति में नहीं, और व्यक्ति में देखने हमको जीजस भी नहीं सिखाया है, हम हमेशा कलेक्टिव में देखें तो शायद हमारा भविष्य, आपका भविष्य, आने वाला पीढ़ी के लिए होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, जंगल हमारे लिए हम नहीं लड़ रहे हैं बचाने के लिए, हम अपने आने वाले जेनरेशन के लिए, उनके लिए बचाना चाहते हैं, तो ये हम एक अपना गोल पोस्ट होगा, उस गोल पोस्ट में हम जोरदार गोल मारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं रहेंगी कि आप इस राज का कर्णधार है, इस देश का कर्णधार है, आप लोगों के हाथ में हम लोग इस राज को सौंपते हैं और इस देश को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, सामाजिक चेतना आपके हाथ में सौंपते हैं, राजनीतिक चेतना आपके हाथ में सौंपते हैं, इस राज की आर्थिक व्यवस्था को आप मजबूत करेंगे, ये भी सारा आपके हाथ में है, आप इनको स्वीकार करना होगा। तब हम कल के दिन में लौट के हम लोग देखेंगे, फादर बिशु लौट के देखेंगे तो लगेगा कि हम लोगों का सपना पूरा हो गया है, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को जोहार बोलती हूँ, सभी को मेरा जोहार। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिनका इतिहास सुनकर नशा भी उतर जाए उसे आदिवासियों की रानी कहते हैं। तालियां बजा दीजिए। तो मैं हमारे आदरणीय दयामणि बरला जी को, उनके सुंदर और त्याग भरे जीवन को हमें बताने के लिए हम उनको साहिजा धन्यवाद देंगे और पुनः एक बार उनके लिए तालियों के गड़गड़ाहट से उनको हम धन्यवाद देंगे। एक चीज मैं बोलने वाली थी, फादर आप लोगों को फिल्म के बारे में बोले, देखने के लिए आदिवासियों का जमीन कैसे छीना जा रहा है, आदिवासी युवाओं को कैसे नशा में ढकेला जा रहा है, और आदिवासियों में ही डाइन क्यों होते हैं। एक नसूर फिल्म बना है नागपुरी में, मौका मिलेगा जरूर देखिएगा, मैं भी देखने गई थी, मैं यही साल देखी हूँ, तो पूरा आदिवासियों को खत्म करने की उस नासूर फिल्म में
दिखाया गया है।